हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विकास, और आज मैं रिव्यू करूंगा एक ऐसी सीरीज़ जिसका मैं इंतज़ार लगभग 6-7 महीनों से कर रहा था। वो है HBO की इंडस्ट्री। Blah, 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 blah. I've never seen anyone put their IQ on a CV before. Why are you here? I think this is the closest thing to a meritocracy there is. उन्होंने जब अनाउंस किया था कि वो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर एक सीरीज़ बनाने वाला है जिसका कि नाम इंडस्ट्री है, और ये एक ब्रिटिश सीरीज़ है, BBC के साथ मिलकर HBO ने कोलैबोरेट किया और इस सीरीज़ को बनाया। ये सीरीज़ डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम पर आप देख सकते हैं HBO के कैटलॉग में। और मैं आपको बता दूँ, ये सीरीज़ कहानी है उन नए बैंकर्स की जो इंटर्नशिप करते हैं बैंक में, या जो अभी नए नए एम्प्लॉइज़ बने हैं बैंक के, जो 25 से 24 25 साल के जो जॉब करने वाले जो नौजवान हैं, उनको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। पीपल नो व्हाट दे आर जॉइनिंग। आई ओनली वांट टू बी जज्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ माय एबिलिटीज। स्टॉक मार्केट या फाइनेंस से जुड़े लोग हैं, उनको ये सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए, और मेरे ख्याल से ये सीरीज़ देखकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा आइडिया मिलने वाला है कि किस तरह से इंटरनेशनल बैंकिंग और किस तरह से इंटरनेशनल स्टॉक्स या किस तरह से कोई चीज़ें सेल की जाती हैं। यह 4 इंटर्न्स की, हार्पर स्टर्न, यास्मीन, गस और रॉबर्ट की, ये चारों एक ही दिन इंटर्नशिप करने के लिए आते हैं उस बैंक में। अभी तक इन लोगों की जो है वो जॉब फिक्स नहीं होती है, यानी कि वो इंटर्नशिप कर रहे होते हैं और 3 महीने तक उन्हें इंटर्नशिप करना है, उसके बाद ही एक एग्ज़ाम होगा या एक इंटरव्यू होगा, उसमें उनकी जॉब फाइनल होगी। ये बहुत ही जोशीले नौजवान होते हैं चारों। हालांकि जो यास्मीन रहती है वो इन चारों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और मेरी फेवरेट कैरेक्टर भी है, और जो गस है वो एक ब्लैक इंग्लिश है, ब्लैक ब्रिटिश है, तो वो उसे काफ़ी कुछ फेस करना पड़ता है अपने ऑफिस में। रॉबर्ट जो कि एक ब्रिटिशर ही है, और जो एक है हार्पर स्टर्न जो कि युगांडा से आई है वहाँ पर। इनमें एक और नौजवान होता है हरी, जो कि इंटर्नशिप करने के दौरान ही उसकी मौत हो जाती है हार्ट अटैक से बाथरूम में। तो ये मौत की वजह भी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा उलझाने वाली होती है, क्योंकि वो लोग बताते हैं कि इसने काफ़ी प्रेशर में जो है सुसाइड कर लिया होगा बाथरूम में, लेकिन हालांकि उसके बाद दिखाते नहीं हैं कि पोस्टमार्टम में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या रिज़ल्ट सामने आया, लेकिन सब कहते हैं कि इसे हार्ट अटैक आया और इसकी मौत हो गई। बैंकिंग सेक्टर का जो प्रेशर इसमें दिखाया गया है या बैंकिंग सेक्टर की जो कॉम्पिटिशन दिखाई गई है वो वाकई बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाया गया है। जिस तरह से बॉसिंग होती है, जिस तरह से बिचिंग होती है, वो सब इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, लाजवाब तरीके से दिखाया गया है। और ख़ास बात है कि जो बैंकिंग सेक्टर के लोग हैं, जैसे कि जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर है और जो इंग्लैंड का जो बैंकिंग सेक्टर है या बाहर जो अमेरिकन बैंकिंग सेक्टर है, उसके लोगों में कितना फ़र्क है। यहाँ हम इंडिया में बैंकिंग समझते हैं गवर्नमेंट जॉब, अगर प्राइवेट में भी हैं तो 9 to 5 जॉब करके फिर वापस घर आ जाते हैं, लेकिन जो इनकी जो इनका जो वर्क कल्चर है वो इतना कूल है और इतना अच्छा है। ये लोग पार्टीज़ करते हैं, पार्टीज़ भी करते हैं तो बहुत ही अच्छी अच्छी जगहों पे करते हैं। इनकी जो सैलरीज होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जैसा कि रॉबर्ट जो है, जो एक कैरेक्टर है, इसके पास इतनी महंगी महंगी बाइक्स होती है, अच्छे अच्छे घर में ये लोग रहते हैं, जो पॉश इलाके होते हैं लंदन के, वहाँ इन्होंने घर लिया हुआ है। तो ये एक चीज़ दिखाता है कि वहाँ की जो बैंकिंग सेक्टर है वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका काफ़ी ख्याल रखता है। हालांकि जो ये चारों कैरेक्टर्स हैं ये काफ़ी हाईली क्वालिफाइड भी हैं। यास्मीन ने जहाँ हार्वर्ड से किया हुआ है, तो गस ने स्टैनफोर्ड से किया हुआ है ग्रेजुएशन, और रॉबर्ट ने ऑक्सफोर्ड से किया हुआ है। तो अगर इस तरह से भी देखें तो ये कंपैरिजन करना उतना सही नहीं होगा, क्योंकि ये लोगों की जो डिग्री है ये काफ़ी जो हाईली रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हाईली रिप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें ये पढ़ के आए हुए हैं। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये लोग इस तरह की लाइफ डिज़र्व भी करते हैं, और
मेहनत तो हालांकि सब करते हैं, लेकिन जो इनका जो सिलेक्शन होता है ये इनके डिग्रीज के बेसिस पे होता है, इनके इंटेलिजेंस के बेसिस पे होता है। इंडस्ट्री को IMDb पर मिले हैं 6.7 out of 10, 4000 लोगों ने वोट किया है। हालांकि मेरे ख्याल से ये काफ़ी कम रेटिंग है, इंडस्ट्री को एटलीस्ट 7.5 मिलना चाहिए। जिस तरह से एंडिंग हुई, इस सीरीज़ को सेकेंड सीज़न के लिए रिन्यू कर दिया गया है, यानी कि इसका सेकेंड सीज़न ज़रूर आएगा जब भी BBC और HBO मिलकर इसे बनाएंगे, तो हमें ये सीरीज़ देखने को मिलेगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम पे। नवंबर को इस सीरीज़ का पहला एपिसोड लॉन्च किया गया था, 10 नवंबर को ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आया था। इस सीरीज़ का जो आखिरी एपिसोड है वो 27 नवंबर को आया। हालांकि 27 नवंबर को जो है, जब पाँच एपिसोड्स आ गए थे इस सीरीज़ के, तो इस सीरीज़ का जो बाकी का जो एपिसोड्स है वो 4-5 एपिसोड्स वो एक साथ रिलीज़ कर दिए गए थे HBO Max पे। तो इस सीरीज़ के सारे एपिसोड्स फिर डिज्नी प्लस हॉटस्टार प्रीमियम पे भी एक साथ ही आ गए थे उसी दिन, तो ये सीरीज़ जल्दी ख़त्म हो गई थी। ये था मेरा सीरीज़ रिव्यू इंडस्ट्री के लिए। अगले रिव्यू तक के लिए गुड बाय। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर